Hello everyone, this is Vipin Singh here. I am back with my new video on my channel Educational Hikes. In this video, we will discuss second part of chapter number 1, Power Sharing from Political Science of Class 10th. We have already uploaded part 1 on our channel. Do visit the link given in the description and do not forget to subscribe our channel and press the bell icon so that you cannot miss any update from our channel. So let's start. तो देखिए स्टूडेंट, पहले पार्ट्स में हमने कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें हमने बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन को, श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन को, बेल्जियम में जो एकोमोडेशन हुआ था, श्रीलंका में जो सिविल वार हुआ था, इन सभी चीज़ों को, इन सभी टॉपिक्स को हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों कंट्रीज़ में क्या, मतलब इन दोनों कंट्रीज़ के केसेस में क्या सिमिलरिटीज़ की, क्या सिमिलरिटीज़ थे, क्या डिसिमिलरिटीज़ थे, इन सभी चीज़ों को हमने देखा, ठीक है। अब इसके बाद इस चैप्टर में कुछ और भी टॉपिक्स थे जो हमने कवर नहीं किया था, क्योंकि अगर पहले वीडियो में वो कवर करते तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता वो वीडियो, इसलिए सेकेंड पार्ट में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो ये है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। दिस इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाई, क्योंकि लास्ट टू ईयर पेपर्स में, अगर आप सीबीएसई बोर्ड का लास्ट टू ईयर पेपर्स देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। सो स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। सोसाइटी में रहने वाले जितने भी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, उनके बीच में जो फ्रिक्शन के चांसेस होते हैं, उनको ये क्या करता है, कम करता है। कौन? पावर शेयरिंग। जब, जाहिर सी बात है, जब सभी कम्युनिटीज़ के बीच में पावर्स इक्वली आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो उससे जो कन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं उनके बीच में, वो क्या हो जाएंगे, अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे, जो कि हमने देखा बेल्जियम के कंडीशन में। और श्रीलंका के कंडीशन में हमने क्या देखा था कि वहाँ पर पावर्स का कोई भी डिवीज़न नहीं होता है। जो आपके सिन्हाला स्पीकर्स थे वो अपने मेजॉरिटी को इन्जॉय करते हैं, जिसके कारण वहाँ पर आगे चल के सिविल वार होता है, ठीक। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टू ये बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूछा जा चुका है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। सो यू ऑल नो दैट पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी। ओके, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल इन डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ टू रीजन। देखिए, अगर शॉर्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपसे सॉरी पूछेगा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, देन यू ऑल राइट डाउन पावर शेयरिंग इफ डिज़ायरेबल इन डेमोक्रेसी बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। और अगर यही सेम क्वेश्चन शॉर्ट में या लॉन्ग में आता है, तब आपको फिर काफ़ी कुछ उसमें लिखना होगा, आपको रीजंस बताने होंगे कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में क्यों डिज़ायरेबल है, क्योंकि दो रीजंस की मदद से। फर्स्ट इज द प्रोडेंशियल रीजन एंड द सेकेंड वन इज मॉरल रीजन, ठीक। तो प्रोडेंशियल रीजन क्या है? प्रोडेंशियल रीजन एक ऐसा रीजन होता है जो किस पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है कैलकुलेशन ऑफ गेंस एंड लॉस पे, कैलकुलेशन ऑफ गेंस एंड लॉस पर ये बेस्ड होता है। और इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, इट इज़ गुड टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज को इंश्योर करने में ये बहुत ही गुड माना जाता है। इट ऑल्सो गुड इन टायरनी ऑफ मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट अपोजिव फॉर माइनॉरिटी, ये कहता है कि जो मेजॉरिटी के पीपल्स हैं वो माइनॉरिटी पीपल्स के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण प्रोडेंशियल रीजन्स को क्या कहते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेंस एंड लॉसेस पे बेस्ड माना जाता है। ओके, अब आते हैं मॉरल रीजन्स को कवर करते हैं। देखिए, मॉरल रीजन्स क्या है, मॉरल रीजन्स को, मॉरल रीजन्स में क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कि पावर शेयरिंग इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, इसमें ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ कंट्रीज में जो भी लोग रहते हैं, उनको पूरा ये राइट दिया गया है कि वो कंसल्ट करें कि वो किस प्रकार की गवर्नमेंट चाहते हैं, किस प्रकार की गवर्नमेंट वो चाहते हैं कि वो उन्हें एडमिनिस्टर करें। ओके, तो ये सेकंड पॉइंट था आपके मॉरल रीजन का। और पीछे जो अभी लास्ट स्लाइड में हमने कवर किया, क्या कहते हैं, प्रोडेंशियल रीजंस में। ओके, तो ये दो रीजंस है जिसके कारण पावर शेयरिंग को डिजायरेबल माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों रीजंस के सारे पॉइंट्स को लर्न कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। These are first is coalition government and the second one is community government. What is coalition government? Coalition government को हिंदी में कहते हैं गठबंधन सरकार। अब मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि गठबंधन सरकार क्या होती है। चलिए ठीक है, देखते हैं। It is a type of government which formed when a single party does not get absolute majority in election. In this case, two or more party came together, make alliances and form a government.
कोलिशन गवर्नमेंट आई थिंक आप सबके समझ में आ गया है। मैं एक बार फिर से बता दूं, कोलिशन गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जब इलेक्शन में कोई एक पार्टी फुल मेजॉरिटी ऑफ सीट नहीं पाती है, फुल मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं सिक्योर कर पाती है, तो उस कंडीशन में वो अपने किसी अदर पार्टी से मिलकर एक एलियांस बनाती है और फिर गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। तो इस प्रकार की गवर्नमेंट को आपके कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। वन मोर थिंग आपको कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में बता दें, कोलिशन गवर्नमेंट इज नेवर फॉर्म्ड इन लोकल बॉडीज, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑलवेज फॉर्म्ड इन यूनियन एंड स्टेट। कोलिशन गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कभी भी फॉर्म नहीं हो सकती, ये केवल और केवल आपके स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे ही फॉर्म हो सकती है। ओके, एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच फॉर्म बाई अ सिंगल कम्युनिटी ऑफ अ सोसाइटी। जब कोई सिंगल कम्युनिटी कोई गवर्नमेंट बनाती है तो उस गवर्नमेंट को कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, और कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जो केवल और केवल लोकल बॉडीज में फॉर्म होती है, ना तो सेंट्रल में ना ही स्टेट में। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, दिस टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर देर आर फोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग्स ऑल सोशल ग्रुप्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एमंग्स ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। सो दीज फोर आर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट फॉर्म, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग क्या? देखिए, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग एक ऐसा फॉर्म है पावर शेयरिंग का जिसमें गवर्नमेंट की पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड कर देते हैं, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में और जुडिशरी में। इस पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ पावर को सेपरेशन ऑफ पावर भी कहा जाता है और चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में और जुडिशरी में। जुडिशरी एक ऐसी बॉडी होती है जो आपके क्या कहते हैं केसेस से रिलेटेड मतलब डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। ठीक है, जजेस वगैरह सब इसी में आते हैं, जुडिशरी में ही। और लेजिस्लेटिव एक ऐसी बॉडी होती है जो लॉ को मेक करने का वर्क करती है, लॉ मेकिंग बॉडीज होती हैं। ठीक, और एग्जीक्यूटिव आपकी एक ऐसी बॉडी होती है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करके लोगों से फॉलो करवाते हैं। ठीक, तो आपको आई होप यू ऑल गेट इट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग में गवर्नमेंट्स की पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड कर देते हैं। ये रहा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग का फिगर। ओके, इसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट की पावर्स को थ्री अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर देते हैं, एक लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, अब द सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग में क्या करते हैं, गवर्नमेंट की पावर्स को डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं, और जितने भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट केवल अपने गिवन सब्जेक्ट्स पे ही वर्क करते हैं। ओके, जितनी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं सारी की सारी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अपने ही सब्जेक्ट्स पे वर्क करती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे, और क्या कहते हैं जो कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे आपके सेंट्रल और स्टेट दोनों अपने रेशियो के अकॉर्डिंग गवर्न करते हैं। ठीक, तो आप आई होप यू ऑल गेट इट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इज अ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन विच द पावर ऑफ गवर्नमेंट विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री लेवल्स, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेडरल डिविजन ऑफ पावर। ओके, दिस इज द फिगर ऑफ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का ये है आपका फिगर, इसमें गवर्नमेंट की पावर को यूनियन स्टेट और लोकल लेवल में डिवाइड कर देता है। ठीक, द थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज दैट इन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पावर शेयर्ड इक्वली इन ऑल सेक्शन ऑफ पीपल। सोसाइटी में रहने वाले जितने भी कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, जितने भी अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज़ के पीपल्स होते हैं उनके बीच में भी पावर्स को इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है ताकि सोशल ग्रुप्स के बीच में किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट ना हो सके। And the fourth one and last one is that equal distribution of power amongst all political parties. जितने भी political parties होती हैं उन political parties के बीच में भी सभी powers का distribution equal कर देते हैं। होता क्या है कि democratic type of country में each citizen must have freedom to choose among various contender for power. ठीक, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ कंट्रीज़ में सभी पीपल्स के पास ये राइट्स होता है कि वो किस कंटेंडर्स को चूज़ करना चाहता है। ओके, और सेकेंड थिंग ये बता दें कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वल पावर दिए जाते हैं
और डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ कंट्रीज में जितने भी आपके सिटीजन्स होते हैं, सभी सिटीजन्स के पास ये पावर होते हैं कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकें और अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकें।